अब हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये लाइन तो हमने बहुत बार सुनी है कि एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, लेकिन अब हम इसका प्रूफ करेंगे। हमने लिया लेट एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन, और हमें इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करके दिखाना है। ए बी हमने कोई भी पॉइंट लिया फंक्शन की डोमेन में से, फिर हमने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस एच वाई प्लस के साई, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड के, एंड फाई एंड साई टेंड्स टू जीरो एज एच एंड के टेंड्स टू जीरो। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर दोनों साइड लिमिट लगा दी, एच टेंड्स टू जीरो के टेंड्स टू जीरो, यहां पर भी लगा दी और इधर भी लगा दी। यहां पर तो अगर एच जीरो को जाएगा तो ये जीरो को अप्रोच कर गया, के जीरो को जा रहा है तो ये जीरो को अप्रोच कर गया, और अगर एच और के दोनों जीरो को जा रहे हैं तो फाई और साई भी जीरो को जा रहे थे, तो राइट हैंड साइड सारी की सारी क्या आ गई, जीरो, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। फिर क्योंकि ये लिमिट तो एच और के पे लग रही है तो दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड के, तो ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, और यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। सो दिस इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट ए बी। एफ हमने डिफरेंशिएबल माना था और उसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया, इट मीन्स एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद हमारे पास 6.5 थ्योरम है कि सपोज एफ एक फंक्शन है जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई पर डिफरेंशिएबल है, एफ एक फंक्शन है जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पर डिफरेंशिएबल है, देन हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई क्या आना चाहिए, करली एफ बाय करली एक्स इंटू एच प्लस करली एफ बाय करली वाई इंटू के प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई। पहले डेफिनेशन में यहां पर ए लिखा हुआ था और यहां पर बी लिखा हुआ था, इट मीन्स डेफिनेशन के हिसाब से हमें ए की वैल्यू करली एफ बाय करली एक्स प्रूफ करनी है और बी की वैल्यू करली एफ बाय करली वाई प्रूफ करनी है, वेयर आगे वही बता रखा है कि फाई एंड साई किसके फंक्शन हैं, एच और के, और फाई और साई किसको टेंड करते हैं, जीरो को, एज एच एंड के टेंड्स टू जीरो। अब सबसे पहले इसके प्रूफ में हमें सिर्फ ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये निकाल के दिखानी है, तो सबसे पहले हमने एफ के डिफरेंशिएबल होने की डेफिनेशन लगाई है कि सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए बी देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट ए एंड बी सच दैट दिस, ये पूरी हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हमने क्या किया, इस पूरी डेफिनेशन में दोनों साइड के को पुट कर दिया जीरो, यहां के जीरो हो गया तो खाली वाई बच गया, ऐसे कैसा, यहां के जीरो तो ये टर्म खत्म और के जीरो तो ये टर्म खत्म, बचा क्या, ए एच एच फाई एच और के की जगह क्या हो गया जीरो। इसके बाद हमने यहां से एच कॉमन निकाला और उसको यहां अपॉन में ले आई, या ये कह दो कि दोनों साइड एच से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी और यहां पर, तो एच कॉमन निकल के एच से डिवाइड करने पे कट जाएगा। इसके बाद हमने दोनों साइड लिमिट लगा दी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लेफ्ट में भी राइट में भी, अगर एच जीरो को जाएगा तो के तो पहले ही जीरो को जा रहा था, एच भी जीरो को चला गया तो कुल मिला के फाई किसको चला जाएगा, जीरो को। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन थी, शुरू में ही बताया था कि अगर एच और के दोनों जीरो को जाएंगे तो फाई किसको जाएगा, जीरो को, तो फाई जीरो को चला गया, ये खत्म हो गया, क्या बच गया, खाली ए। और ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन है करली एफ बाय करली एक्स की, क्योंकि जब एक्स वेरिएबल में चेंज आए और वाई वेरिएबल में कोई चेंज ना हो तो वो डेफिनेशन होती है करली एफ बाय करली एक्स की, और अगर वाई वेरिएबल में चेंज आया होता और एक्स वेरिएबल में कोई चेंज ना होता तो वो डेफिनेशन बनती करली एफ बाय करली वाई की। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन करली एफ बाय करली वाई इज इक्वल टू बी, उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एच इज इक्वल टू जीरो, फिर के से डिवाइड करेंगे, फिर के टेंड्स टू जीरो लिमिट लगाएंगे, तो वहां से करली एफ बाय करली वाई किसके बराबर आएगा, बी के।